की गई तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है। आज हम आपको आरएस राजेंद्र सिंह शेखावत की कहानी बताएंगे, जिन्होंने असफलता से सीख लेकर सदैव ही सफलता को हासिल करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने आरएस बनने के सपने को पूरा किया। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका मारो एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलेगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सीकर के शीशु गांव के रहने वाले राजेंद्र सिंह शेखावत 7 साल से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। आरएएस में 3 बार असफल हुए, फिर भी हिम्मत नहीं हारे और चौथी बार भी राज्य भर में तीसरे स्थान हासिल करके साबित कर दिया कि कभी भी हार ना मानने वालों की हमेशा जीत होती है। शेखावत जब 10 साल के थे तभी उनके सर से पिता का साया उठ गया था। माँ ने शेखावत की पढ़ाई को नहीं रोका और उनकी पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया। शेखावत की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनकी माँ ने सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू कर दिया। आरएएस में चयनित राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि वह कई बार अपनी असफलता से निराश हो जाया करते थे, लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी माँ हमेशा उनके साथ खड़ी रही। वह कहती थी, अगर लगातार मेहनत की जाए तो सफलता जरूर हाथ लगती है। शेखावत ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी माँ और ससुर गोविंद सिंह को देते हैं। शेखावत बताते हैं कि उनकी पत्नी राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोवर्धनपुरा में अंग्रेजी की विशिष्ट अध्यापिका है। राजेंद्र सिंह शेखावत को नौकरियों तो कई मिली, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पुलिस में एएसआई की नौकरी हासिल की। इसके बाद शेखावत ने एएसआई की नौकरी छोड़कर शीर्षक बने। राजेंद्र सिंह शेखावत का शीर्षक भर्ती 2005 में चयन हो गया और पोस्टिंग रोनाली के पास हुई, लेकिन उन्होंने अपने सपने देखना बंद नहीं किया और साल 2007 में उनका चयन फिर से पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ। इसी दौरान राजेंद्र सिंह शेखावत ने सब इंस्पेक्टर के पद पर करीब 3 महीने नौकरी की। इसके बाद भी वे रुके नहीं और परीक्षम से उन्होंने अपना निर्धारित लक्ष्य आरएएस को पा ही लिया। राजेंद्र सिंह ने युवाओं को सलाह दी है कि वे कभी भी शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं। आरपीएससी के छात्रों के लिए हम कुछ जरूरी टिप्स लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आरपीएससी आरएएस परीक्षा पैटर्न को जानें। मानक पुस्तकों के साथ आरपीएससी आरएएस सिलेबस को पूरा करें। एक अनुशासित अध्ययन शेड्यूल बनाएं। पढ़ाई के लिए इंटरनेट की सहायता लें। रिवीजन करते रहें और मॉक टेस्ट देते रहें। तैयारी के दौरान स्वस्थ, हाइड्रेट और मन में शांति बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए मारो एग्जाम। नमस्कार।